मैं अकेला हूं, अकेला ही रहूंगा, और तुम सबकी मेरे अकेले से फटती है। अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है, कसा था, नमस्ते एंड वेलकम टू वीवो V17 प्रेजेंट्स बिग बॉस सीजन 13 का रिव्यू विथ मी आमिर अंसारी। आप लोग सोच रहे होंगे क्या राग पट्टी दे रहा है रात को 12:30 बजे आके, मैं अकेला हूँ, अकेले ही रहूंगा, तुम्हारी मेरे से फटती है, ज्यादा हो रहा है आज तेरा। ये गाइस मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आज सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आज का जो प्रोमो था, कल जो होने वाला है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोमोज ऑफ दिस सीजन, क्योंकि जो उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक थी, जो बीजीएम थी, असीम झगड़ रहा है, सिद्धार्थ शुक्ला उससे झगड़ रहा है। एंड गाइस जिस साल से सिद्धार्थ शुक्ला डायलॉग बोलता है कि मैं अकेला था, अकेला ही रहूंगा, और मेरे अकेले से ही तुम सबकी फटती है, एंड जिस तरह से रश्मि देसाई यानी के मोमो कहती है शुक्ला तेरे को औरतों की इज्जत करने नहीं आती, नौकरानी बोलता है, तेरी माँ नौकरानी, तेरी माँ काम चोर, इतना एक्सलेंट प्रोमो था गाइस। एंड जिस तरह से असीम कैप्टन बनने के बाद सब लोगों से कहता है कि मैं तुमको टास्क दे रहा हूँ, पारस एंड माहिरा तुमको साथ में नहीं रहना है, एंड यहाँ पर जिस तरह से शहनाज गिल एंड माहिरा शर्मा दोनों का झगड़ा होता है, माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। कल का एपिसोड ब्लॉकबस्टर होने वाला है, वापस से इट्स गोना बी सिद्धार्थ शुक्ला वर्सेस असीम रियाज। लेकिन क्या इस झगड़े की जरूरत है? डू दे बोथ डिजर्व टू फाइट? आज इतना भाईचारा हुआ, इतनी प्यार भरी बातें हुई, असीम रियाज ने रात को उठ के सिद्धार्थ शुक्ला के पैर भी दबाए, पैर पे पैर रख के चढ़ के पीठ पे चढ़ा, तो ये झगड़ा जरूरी नहीं था। लेकिन गाइस आज के एपिसोड के विनर थे ननदन मोमो एंड चटनी कुमार अलोंग विथ नच बलिए। आज घर में जब सुबह 8 बजे तो कौन सा गाना बजा पता है? क्रेजी किया रे, क्रेजी किया रे। आप शिफाली बग्गा अपने आप को ऐश्वर्या राय समझ रही थी, लेकिन अपने आपको ऐश्वर्या राय दिख नहीं रही थी, वो ऐश्वर्या नाई दिख रही थी। क्रेजी किया रे, वहां पर तुम लोगों ने नोटिस किया, जॉन इब्राहिम का चाचा, ऋतिक रोशन का मामा, आमिर खान से भी बड़ा स्टार, AKA नच बलिए, नच बलिए नाच रहा है, क्रेजी किया रे, क्रेजी किया रे, नच बलिए फुल ऑन डांस कर रहा था। उसको लग रहा था कि वो धूम 4 में हीरो होने वाला है। That was absolutely amazing. चले गए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। फिर एपिसोड की शुरुआत हुई यहाँ पर चटनी कुमार, वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, लेकिन आज एक नई कहावत का इजाद हुआ है कि आ कस्टमर चटनी मेरे सर पे डाल। चटनी कुमार अच्छा खासा गाड़ी पे काम कर रहा था, ठेले पे काम कर रहा था, लेकिन कल एक कस्टमर आया था जिसका नाम है विकास गुप्ती, तो विकास गुप्ती के उसने फुल मजे ले लिए, उसको चिढ़ा दिया। एंड उसकी किस्मत कितनी खराब है, आज जो कैप्टनसी का कार्य था उसमें जो ड्राइवर बना था वो भी विकास गुप्ती बना था। विकास गुप्ती क्या करता है वो तुम लोगों को आज के एपिसोड में बताऊंगा। फिर आरान कहता है विकास तुम तो महान हो यार, तुमको सब कुछ मालूम है, हम तो सारा कौवा बिरयानी बनाते, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई हमारा। हाँ तुम बहुत, तुम्हारा हाई लेवल है, हमारा लेवल बहुत लो है। गुप्ता कहता है अरे भाई मैं तो गुप्ती हूँ, लेकिन तुम तो बहुत बड़े डायमंड ट्रेडर हो, डायमंड मर्चेंट, तुम लोगों को पता है अरहान डायमंड मर्चेंट है, डायमंड मर्चेंट कितने पैसे वाले होते हैं, लेकिन ये सबसे गरीब डायमंड मर्चेंट होगा जो मोमो के साथ घूमता रहता आगे पीछे। एंड गाइस यहाँ पे कहता है बकैती मत करो, अरे विकास गुप्ता उसको कहता है अरहान को, अरहान बोलता है अरे भाई हमारा लेवल ही नहीं कि हम आपके साथ खराब कर सके, आप तो बहुत बड़े आदमी हो। वेल फ्रेंड्स यहाँ पर गिल वापस से सिड को पटाने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला मानता नहीं। अब गाइज जो बीबी पार्किंग टास्क है उसमें गाइज एक ड्राइवर रहेगा, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा एंड ड्राइवर किसी भी एक पैसेंजर को अपने पीछे बिठाएगा। ओके द ड्राइवर्स जॉब इज टू टेक द पैसेंजर, उसको राउंड देने का, और जब बिग बॉस टिंग 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 घंटी बजाएगा पार्किंग में जाके खड़ी कर देना, जो गाड़ी लास्ट जाएगी पार्किंग लॉट में वो आदमी एक एक करके कैप्टनसी से निकल जाएगा। ये पहला बिग बॉस का कार्य है जो सुनते टाइम मेरे को समझ में आ रहा था, वरना बिग बॉस के कार्य इतने बड़े बड़े भाषण रहते 5-6 पेज के, ज़रा क्लास में कभी जिंदगी में इतना बड़ा याद नहीं किए, ये 5-6 पेज का बिग बॉस का कार्य रहता है। फ्रेंड्स वहां से कहानी आगे बढ़ती है। एंड गाइस यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला पार्ट नहीं लेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो थोड़ा बीमार है, तो वो संचालक बनेंगे। विकास यहाँ पर कहता है कि एंड मोमो एंड पारस छाबड़ा हैव अ ब्रोकन फिंगर सो दे आउट ऑफ द गेम, दे कैन नॉट ड्राइव द कार्स। ओके
यहाँ पर विकास गुप्ता कहता है कि देखो मैं हूँ गुप्ती, मैं चाहता हूँ बचाने के लिए जरीवाला को और है ना मधुरिमा टुल्ली को। मधुरिमा टुल्ली और गुप्ती क्या दोस्ती है मुझे पता नहीं, शायद बाहर से लोग दोस्त होंगे। यहाँ पे गिल कहती है असीम को, देख मैं तेरे को बचाऊंगी लेकिन तुझे मुझे इम्यूनिटी देना पड़ेगी अगर तेरे हाथ में कोई पावर आया। अरहान यहाँ पर गुप्ती के संडास में चले जाता है, कौवा बिरयानी मांगता है क्या? गुप्ती बोलता है देख भाई कल तेरी कौवी बिरयानी खाकर ना मुझे बहुत बड़ा जुलाब हो रहा है, मुझको नहाने दे, डोंट इरिटेट मी। अरहान बोलता है अरे भाई मेरा बात तो सुन लो यार, मेरे को कैप्टन बना दो, मेरी बात सुनो। बोलता अच्छा कल तो तूने मेरी बहुत बेइज्जती किया, सुबह भी तू मेरी बेइज्जती कर रहा है, तुझे कैप्टन क्यों बनाऊं, मैं हूं गुप्ती। कौवा बिरयानी बोलता है भाग रहा है बदतमीज, वो वहां से चले जाता है, गुप्ती उसको संडास से भगा देता है। वेल फ्रेंड्स यहां पर गुप्ता कहता है कि अरहान तुमने कल मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है, अब तुम यहां से भाग जाओ। बग्गा कहती है सिद्धार्थ को कि देख जाके शहनाज गिल जो है वहां पे असीम रियाज के साथ बात करे। शुक्ला कहता है यहाँ पे जिसको जो करना है करे, मैनी पीपल हैव वेनम इन देम, यानी कि बहुत लोगों के दिलों के अंदर जहर बसा हुआ है। फिर सना अपनी गाड़ी में चली आती है, कहती है ओए ये मेरी गाड़ी है और इस गाड़ी का नाम मैंने फ्लिपर रख देना है, तो वो अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। वेल फ्रेंड्स यहाँ पर माहिरा कहती है नच बलिए तुम जीरो, नच बलिए बोलता हम जीरो हैं, हम जीरो का है बोल रहे हैं, हम तो हीरो हैं, हम तो ऋतिक रोशन बनेंगे आज। नच बलिए फुल लाइन मार रहा है उसके ऊपर। अब गाइस यहाँ पर अरहान मोमो एंड गुप्ता का ड्रामा चल रहा है। माहिरा शर्मा कहती है अगर तेरे को मेरी गाड़ी में बैठना है तो तुझे जाके वहां चिल्लाना होगा। माहिरा शर्मा जीरो नहीं है, बस इतना सा काम अभी कर देते हैं। अरे देखो भैया माहिरा शर्मा जीरो नहीं है, नच बलिए चिल्लाता है। माहिरा बोलती है नच बलिए उसको ये भी बोल कि माहिरा शर्मा घर में रहेगी, उसके मसलों की घर में लोगों को जरूरत है। नच बलिए बोलता है अरे इतना ही करना है क्या, अभी बोल देता है अरे माहिरा शर्मा घर में रहेगी, उसके मसलों की घर में लोगों को जरूरत है। माहिरा शर्मा चल अभी निकल तेरा काम हो गया। नच बलिए का पोपट हो जाता है, माहिरा शर्मा उसको गाड़ी में नहीं बिठाती है, नच बलिए बेचारा सर पकड़ के वहां से चले जाता है। अब गाइस यहाँ पर गुप्ती कहता है कि देख टुल्ली आई एम गुप्ती एंड आई एम टेलिंग यू डोंट ट्रस्ट विशाल। अब गाइस यहाँ पर गुप्ता कहता है कि देखो मोमो मैं एक ही शर्त पे टुल्ली को इस गाड़ी से बाहर निकालूंगा एंड तुम्हारे छावे कुमार को अंदर गाड़ी में बिठाऊंगा, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम 2 हफ्ते तक है ना टुल्ली की प्रायोरिटी बन के रहोगे। तो मोमो सोचती है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ओके 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 एक मिनट हाँ, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम 2 हफ्ते तक अपनी मोमो की गाड़ी से टुल्ली को फ्री मोमोज खिलाओगे। बस इतनी सी बात, चलो कोई बात नहीं प्रॉमिस करती हूँ 2 हफ्ते तक मोमोज भी खिलाऊंगी और प्रायोरिटी में भी रखूंगी। फुल फालतू गई चल रही थी विकास गुप्ता की। अब गए विकास गुप्ता यहाँ पर अरहान को यानी कि चटनी कुमार को वहाँ पे बिठा रहता है पीछे। अब गए यहाँ पर नच बलिए है ना बाकी लोग कहते हैं कि थैंक यू मधु अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए अरहान के लिए, नच बलिए बोलता है। मधुरिमा बोलती मैंने सैक्रिफाइस नहीं किया, अरे कर दिया ना, हमको तो ड्राइवर नहीं मिला तुमको भी नहीं मिला था, दोनों बाहर बैठ जाते हैं। तो मधुरिमा एंड नच बलिए दोनों इस रेस से बाहर हो जाते हैं। अब गाइस यहाँ पर गाड़ी में एक गाड़ी में वही पंजाब की कटरीना एंड वाह 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 असीम रियाज बैठते हैं, दूसरी गाड़ी में यहाँ पर गुप्ती एंड कौवा बिरयानी बैठते हैं, तीसरी गाड़ी में यहाँ पर जिधर वजन उधर भजन आरती एंड मसला इन लोग बैठते हैं, चौथी गाड़ी में बग्गा जग्गा एंड कांटा लगा बैठते हैं। फुल गाड़ियां चालू हो जाती हैं। अब गए यहाँ पर सबको गाड़ी लेके चलना होता है, असीम और शहनाज की एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। सिद्धार्थ बोलता है चल चल गाड़ी लेके चल, असीम बोलता है क्या लगता है तू मेरे को हराना चाहता है? हाँ गिल बोलती ओए संचालक से माफी मांग लो, सिद्ध बोलता है मैं तेरे को क्यों हराऊंगा भाई, एक जगह पे खड़े मत हो चलते रहे। अब गए यहाँ पर आरती और मसला ये लोग आउट हो जाते हैं पहले क्योंकि उन लोग पीछे रह जाते हैं। अब गए यहाँ पर तुम लोगों को पता है विकास गुप्ती ने यहाँ पर जो अपना पैजामा था ना वो अपने सर पे पहना है और अपना जो कुर्ता था वो अपने पैर में पहना, उसका कॉस्ट्यूम देखा तुम लोग जाके एकदम एब्सोल्युटली हिलेरियस है। दूसरे गए अब बग्गा और जरीवाला भी आउट हो जाते हैं। गुप्ता कहता है कि मैं अभी कौवा बिरयानी को कैप्टन नहीं बनाऊंगा, बस बोला तो बोला क्यों नहीं बनाना चाहते, उसको कुंडल थी कल वैसे भी उसकी कौवा बिरयानी खा के झुला हुआ, उसने उसको बदतमीजी की। फुल बोलता है मैं यहाँ पर उसको कैप्टन नहीं बना सकता, यहाँ पे लास्ट सीजन में उसने अर्शी को कैप्टन बनाया था, उसको कुछ यू नो लोगों ने चिल्लाया था, तो ये हफ्ते यू नो अरहान यानी कि चटनी कुमार कैप्टन बनने के लिए डिजर्व नहीं करता। वो कहता है कि मैं यहाँ पे असीम को कैप्टन बनाऊंगा, मैं अरहान को कैप्टन नहीं बनाऊंगा। अब तो भाई चटनी कुमार तो पूरा भड़क जाता है, भाई कौन भौंक रहा है बदतमीज, साला हमसे पंगा ले लिया, वो फुल भड़क जाता है। वो बोलता है अरे यार क्यों ऐसा धोखा दे रहा है तू, हाँ
तेरा भाईचारा करके रह तू। गुप्ता बोलता है मैं तुझे कैप्टन नहीं बनाऊंगा। तो आर्यन बोलता है सारे धोखेबाज ड्राइवर चटनी कुमारू जानता है सारे मैं चटनी खाने जा लोग कहाँ कहाँ से आते। तू मास्टर माइंड है, तेरे कोई मास्टर माइंड गिरी नहीं है, तेरे छोड़ूंगा नहीं। काहे का मास्टर माइंड तू, तूने मुझे धोखा दिया। फूल झगड़ता है एंड विकास गुप्ता बोलता है तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो। अरान फुल उदास हो जाता है गाइस। एंड यहाँ पर अरान कहता है विकास गुप्ता को कि तुम मर्द की तरह खेलो। मोमोज को बोलती है ये ना उसको ऐसा मत बोलो मर्द की तरह खेलने के लिए। अरान कहता है उसको दिमाग नहीं है, इसको दिमाग का बुखार हो गया है। हाँ विकास गुप्ती यहाँ पे बहुत बड़ा सीक्रेट बताता है। वो कहता है यहाँ पे टुल्ली को जाके कि देखो टुल्ली मैं हूँ गुप्ती, तो मैं है ना फ्राइडे को जाने वाला। तो विकास गुप्ता फ्राइडे को जाने वाला सारा आराम से रहो, आएगी एंट्री बाल कलाकार टिटिन 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 देवलीला भट्टाचार्य जी। वो आएगी कि नहीं आएगी ये फ्राइडे पता चलेगा। लेकिन गाइस यहाँ पर विकास गुप्ती कहता है टुल्ली मैंने तुम्हारा डील है ना 2 हफ्ते के फ्री मोमोज का मोमोज करा दिया है, तो टेंशन मतलब तुमको खाना खिलाते रहेगी। यहाँ पर विकास गुप्ता कहता है किसी को ट्रस्ट मत करना। और गुप्ती एंड टुल्ली दोनों रोते हैं। वहां पर गिल और असीम राउंड मारते रहते हैं गाइस यहां पर। एंड गाइस यहां पर चटनी कुमार और मोमो बाहर बैठे रहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर असीम को इस घर का कैप्टन डिक्लेयर किया जाता है एंड वो कहता है कि शहनाज ने मेरे लिए बहुत बड़ी चीज की है। और फ्रेंड्स विकास गुप्ता ने यहाँ पर अरहान कुमार चट्टी कुमार को बीच ही रस्ते में छोड़ दिया। एंड यहाँ पर मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। विकास कहता है आप मेरे लिए चटनी बनाएंगे? अबे अभी तो हम काम कर रहे हैं, काम खत्म होने के बाद चटनी बनाएंगे। ठीक है मैं यहाँ वेट करती हूँ। गुप्ती बोलता है काम खत्म हो गया चलो घाट के ऊपर चटनी बनाएंगे। वो बोलता है चलो चटनी बनाएंगे। वो चटनी बनाता है बेचारा। वो बोलता है चलो मैं तुमको पैसा देता हूँ एटीएम से निकाल कर। विकास गुप्ता लेके जाता है चटनी कुमार को एटीएम में और उसको रास्ते के बीच में छोड़ देता है। और अरहान कुमार क्या चिल्लाता है पता है, साला कौन किडनी चुरा लिया बे। ये कुआ नहीं है, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। वेल फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ कहता है कि असीम इस घर का कैप्टन है और वो काफी खुश है उसके लिए। असीम यहाँ पे गिल को थैंक्स कहता है एंड गिल यहाँ पे कहती है कि सिद्धार्थ की फर्स्ट प्रायोरिटी आरती है। सिद्ध कहता है मैं तुझे माफ करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गुप्ता बोलता है कि देखो यार बाहर सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज गिल को एक साथ यानी कि सिडनास को देखना बहुत पसंद है। सिद्धार्थ कहता है मैं अभी इसके चक्कर में नहीं आऊंगा। गुप्ता कहता है अरे गिल जरा जाके सिद्धार्थ से कहे कि आई एम्बेरेस्ड यू आई एम वेरी सॉरी। गिल वहां जाती है सिद्धार्थ को पकड़ती है। सिद्धार्थ शुक्ला कहता है मत कर आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस। शहनाज गिल रोती है लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला फिर भी नहीं मानता, कहता है कि मेरा मन नहीं कर रहा है। सिद्धार्थ कहता है कि ये नाटक मत कर, बार बार तू ये नाटक मेरे साथ करती है। गिल कहती है वो मैं हर्ट फील कर रही हूँ मुझे रोना आ रहा है। सिद्ध कहता है कि नहीं दूर हो जा चले यहाँ से। पर बस तुमको पता भी क्या हो रहा है ये उसका स्टाइल होएगा, असीम को माहिरा से प्यार होएगा। यहाँ पर सिद्धार्थ क्या कहता है देख बाहर है ना पारस को इसी में बहुत कम वोट मिल रहा है, तू एक काम कर तू अपनी केमिस्ट्री है ना असीम के साथ स्टार्ट कर दे। असीम कैप्टन बन गया है काफी पॉपुलर भी है। पारस सिगरेट पीता पर्दा खोल के बोलता है वो क्या बोल रहे भाई क्या बोल रहे तू कि जल जाती पूरी। और काफी मेरे को हिलेरियस लगा। मेरे फ्रेंड असीम यहाँ पे बाहर आता है वही टाइम पे। वो कहता है कि अरे माहिरा क्या मैं तुम्हारे लिए वो अपना कश्मीरी खिचड़ी बनाऊ क्या? सब लोग बोलते अरे वाह खूब गाना गाते ये उसका स्टाइल होएगा होठों पे ना दिल पे हाँ होएगा वो गाना गा के छिड़ाते। तो असीम और माहिरा की दोनों के लोग केमिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल फ्रेंड्स यहाँ पर सब लोग खुश है कि असीम कैप्टन बन गया। तो कंग्रेचुलेशंस असीम फॉर बिकमिंग द न्यू कैप्टन ऑफ बिग बॉस सीजन 13 वेल डिजर्व बड़ी। एंड गाइस यहाँ पर असीम के लिए चटनी कुमार आज चटनी नहीं केक बनाता है। सब लोग उसका केक काटते हैं। फिर असीम केक खिलाने के लिए मसला को यानी कि पिंपल को आता है बाथरूम के अंदर, लेकिन पिंपल वेट कर रही है पारस छाबड़ी के का जो बाथरूम में बैठा हुआ है। एंड गाइस असीम आके माहिरा को केक खिलाता है। पारस छाबड़ी के बोलता है तेरे को लगता है कभी असीम अपने को केक खिलाने के लिए संडास में आएगा? अरे माहिरा थी यहाँ पर इसीलिए आया था। वापस इसको छिड़ाने की कोशिश कर देते हैं। फ्रेंड यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला को रात को अनफॉर्चुनेटली बहुत पैरों में और पीठ में दर्द होना शुरू हो गया था। उसे शहनाज गिल को कहा कि तू मेरे पैर दबा दे बिछाई बंदी कितना आज हमेशा आई मिसअंडरस्टूड शहनाज गिल की मेरे को काफी इरिटेटिंग लगती थी, लेकिन आज जो बंदी ने जेस्चर किया आज के जमाने में यार माँ बाप के खुद पैर बच्चे लोग दबाते नहीं है, ये बंदी रात को इतना उठ के सिद्धार्थ शुक्ला के पैर दबाई पीठ दबाई लिटरली नींद में। आई रियली फेल्ट वेरी गुड अबाउट शहनाज। तो अभी फिलहाल शहनाज मेरे गुड बुक्स में आ गई है स्पेशली ये इंसिडेंट के बाद। शहनाज ने बेचारे शुक्ला का पूरा पैर दबाया, लेकिन अब शहनाज के कोमल हाथों से शुक्ला को कहाँ आराम मिलने वाला था। हसीम बोलता है असीम जब सिद्धार्थ शुक्ला के पैर पे चढ़ा मेरे को लगा उसका पैर तोड़ देगा, वो पैर पे पैर रख के चढ़ गया। और काफी क्यूट मोमेंट था। क्रेजी क्या गाना बजता है, बग्गा को लगता है ऐश्वर्या राय है, नजबलिया को लगता है उसको धूम फोर में साइन करने वाले हैं। अब गाइस यहाँ पर मोमो कहता है मोमो कहती है अरहान को चटनी कम यो
मैंने सुना कि तुम है ना बग्गा को कुछ ज्यादा ही चटनी खिला रहे हो। कहीं तुम उसके दोस्त तो नहीं बनने वाले हो? अब आरहान बोलता है, अब अगली बार तुमने मेरे को टॉन्ट किया ना तो तुम्हें चटनी बनाना बंद, समझ गया ना? डोंट टॉन्ट मी नेक्स्ट टाइम। मोमो कहती है, अच्छा पराठा बना दे। असली में बोलती है, मैं नहीं बना रहा हूँ, पराठा बना दे यार मेरे लिए। आरहान बोलता है, नहीं नहीं बनाऊंगा, चल जाओ, तुम अजीब गरीब हो। बस भाई यहाँ पे मोमो यहाँ पराठा बनाना शुरू करती है एंड वापस जाके अरहान उसको पराठा बनाने में मदद करता है। अब गाइज घर में माहौल इस तरह से है कि लोग सिर्फ 11 है बात करने के लिए, तो यहाँ पर शहनाज गिल जो है वो कौओं से बात करती है। अब गाइज गिल कहती है, मैं सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ से लॉयल हूँ। एंड गाइज यहाँ पर जो खेल है वो आगे बढ़ता है कि असीम के ऊपर अब सब चढ़ना शुरू कर देते हैं। माहिरा कहती है, सबको दो दो ड्यूटी मिली है, तूने शेफाली बग्गा को सिर्फ एक ड्यूटी क्यों बोली? गिल बोलती है, ओए शाम के बर्तन धोते हैं, रात के बर्तन धोते। पारस बोलता है, देखो 1+1=2। असीम बोलता है, अरे 1+1=1 मैन। ये गाइज शाम के बर्तन और रात के बर्तन, ये लोग दोनों एक बर्तन जो है वो एक साथ धोने वाले हैं। इसको लोग कह रहे हैं कि वो लोग दो काम करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा होता है एंड गाइज यहाँ पर गिल बग्गा की साइड लेती है और कहती है, नहीं हम बर्तन धोएंगे, हम ऐसा करेंगे। असीम और सिद्धार्थ की, असीम और पारस की झगड़ा होता है, पारस और असीम दोनों झगड़ते रहते हैं, असीम और माहिरा का भी झगड़ा हो जाता है। एंड असीम यहाँ पे कहता है कि बग्गा तो गिल तुम लोग साइड में आ जाओ, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। गिल कहती है, असीम सही है। माहिरा कहती है, गिल तू बेवकूफ है। पारस कहते गिल तू बेवकूफ है। सब लोग यहाँ पे असीम पे जम मारते हैं। आरती कैसा मौका छोड़ सकती है? आरती भी यहाँ पे पारस से झगड़ा करना शुरू कर देती है और फिर सब लोग झगड़ा करते हैं। मायरा यहाँ पे रोना शुरू कर देती है। अब गाइस असीम मायरा से कुछ ज्यादा नजदीकियां बढ़ा रहा है। जब मायरा रो रही थी, असीम किचन में भागते भागते गया बाथरूम में माहिरा को बचाने के लिए एंड वो माहिरा को मना रहा था बैठ के गाइज यहाँ पर। अब गाइज असीम ये भी कहता है कि शिफाली बग्गा मेरी माँ नहीं है, मैं उसको बचाऊंगा। माहिरा कहती, नहीं तूने बग्गा का साइड लिया। अब गाइज यहाँ पर अगर कोई दोस्त साथ में बैठे हैं तो लोग क्यूट मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर शिफाली बग्गा को क्या करना चाहिए? माई नेम इज शिफाली बग्गा। शिफाली बग्गा वहां बैठी रहती है। सीधा गिल बोलती है, ओए शुक्ला इधर आ। शुक्ला बोलता है, सब काम के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। बोलती है, हाँ हाथ रख। हाथ रखता है, हाथ डांस कर, टी 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 डांस करते हैं और शिफाली बग्गा वहां बैठी है ताकि इन दोनों के डांस में वो भी दिख जाए। तो इन दोनों का डांस काफी क्यूट लगा गाइस, बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड दोनों एक दूसरे को हग भी करते हैं। अब गाइस आज का इवेंट ऑफ द डे, द मेगा इवेंट, वो केस जो गुप्त में काजोल के मर्डर मिस्ट्री से ज्यादा है, जो एतराज की मिस्ट्री से ज्यादा है, द मोस्ट मिस्टीरियस केस इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड मिस्ट्री, के चटनी कुमार आखिर अपने माँ बाप को मोमो के घर पे रखा था या नहीं रखा। अब चटनी कुमार को चटनी बनाते बनाते आइडिया आया, अरे एक चाबी तो मेरे पास थी, दूसरा चाबी इसने अपनी पीआर एजेंट निधि को दी थी, तीसरा चाबी किसके पास था? एंड आज नाम आया, एनी गेसेस? तीसरा चाबी थी यहाँ पर बबल गम के पास, यानी के रश्मि देसाई का छोटा भाई रब। बबल गम के पास तीसरी चाबी थी। और क्यों थी ये तुम लोग सब सुनोगे तुम लोग पागल हो जाओगे, रात को तुम लोग शायद हंस हंस के मर भी जाओ संडास में जाके कहीं पर। यहाँ पर गाइस वो कहती है, एक चाबी निधि के पास है, एक चाबी आराम के शायद पीआर एजेंट है ताज भाई, वो उनका काम संभालते हैं, उनके पास है। एंड मोमो कहती है कि निधि एंड ताज प्लीज चेंज माई लॉक। मोमो कहती है कि मेरे पीठ पीछे कोई ना कोई मेरे घर में घुस रहे हैं और कोई पर्सनल रीजन से है। चाबी यहाँ पर चटनी कुमार को दिया था, मेरे पीआर एजेंट को दिया था। यहाँ पर चटनी कुमार कहता है, तीसरी चाबी जो है वो तेरे भाई बबल गम के पास है, क्योंकि बबल गम रोज यहाँ पे रश्मि देसाई के घर पे जाता है प्लांट्स को पानी देने के लिए। ओ सो स्वीट, यहाँ पे बबल गम रोज सुबह झाड़ों को पानी देता है रश्मि देसाई के घर में। रश्मि देसाई कहती है, चुप क्या बोल रहा है तू, डोंट कंफ्यूज, बबल गम के पास कोई चाबी नहीं है, बबल गम को लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, मेरे घर वाले बबल गम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, व्हाट यू टॉकिंग, चाबी सिर्फ है ना निधि के पास है, समझ में आया? एंड वो कंफ्यूजन यहाँ पे शुरू हो जाता है। बिग बॉस को कहती है, मैं लेटर लिख के दूंगी, मेरे घर के लॉक बदल देना। और उसके बीच में रेफरी वन मना, पता है वाह असीम, असीम क्या कर रहा है बीच में बैठ के? असीम को टी शर्ट शर्ट खूब अच्छा पहना है, स्टाइल H&M का टी शर्ट लाया उसके लिए, व्हाइट वाला गन्स एंड रोजेस का, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। बट फ्रेंड्स यहाँ पर माहिरा एंड शहनाज गिल के बीच में कल झगड़ा होने वाला है एंड फाइनली माहिरा कह देगी कि हाँ तू पारस से दूर रहे, मुझको अच्छा नहीं लगता कि तू पारस के रहती है। तो कल का प्रोमो धमाकेदार था एंड गाइज यहाँ पर सिद्धार्थ नसीम के बीच में बात हो रही है एंड उसके बीच में मोमो इंटरफेयर करती है। तो सिद्धार्थ शुक्ला कहता है कि ऐसी लड़कियों की बात सुन रहा है,
हाँ, एंड तो ऐसी लड़की सुनते ही रश्मि देसाई का पारा बढ़ जाता है ना। सिद्धार्थ शुक्ला से झगड़ने का मौका कौन नहीं छोड़ेगा मेरा वहां। आई असीम चलो झगड़ता है, उसकी पहली से खुंदल है, सिद्धार्थ शुक्ला असीम में चलता रहता है, यहाँ पर नच बलिए भी नहीं छोड़ता। एंड चटनी कुमार बोलता चलो बहती हुई चटनी में हम भी हाथ धो ले। एंड चटनी कुमार वर्सेस असीम, नच बलिए चटनी कुमार वर्सेस सिद्धार्थ शुक्ला, यू नो नच बलिए वर्सेस सिद्धार्थ शुक्ला, सब झगड़ा करने आते। लेकिन गुप्ता जो है वो बोलता है तुम सब को सिर्फ पॉपुलैरिटी चाहिए, तुमको सिद्धार्थ शुक्ला से भिड़ के टीआरपी लेना है, मैं इस वीकेंड के वार में सबको एक्सपोज कर दूंगा। एंड तब यू नो सिद्धार्थ शुक्ला कहता है, असीम कहता है तू अकेला है इसलिए अकेला ही रह जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला वो डायलॉग मारता है अकेला हूं अकेला ही रहूंगा और मेरे अकेले से तुम सबकी फटती है। मास्ट डायलॉग मैन, आज का एपिसोड बहुत धमाकेदार था, स्पेशली बबल गम की कहानी, नच बलिए की कहानी एंड चटनी कुमार की दीवानगी, मजा आ गया लिटरली। आज विकास गुप्ता चटनी कुमार को कैप्टन बना सकता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि मोमो टूट गए। ओके गाइस, कल सुबह दबंग रिलीज हो रही है, दबंग 3। आप लोग जितने भी लोग हैं प्लीज जाके दबंग 3 देखिए। ये एपिसोड पसंद आया एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से Stay cool, man. Till then, do whatever you do, man. But don't give your house keys to anybody. Mata pita, baat pata, khayal rakhna. Good night.